नमस्कार, हमारे साथ हैं संजय श्रीवास्तव जी। संजय जी नाइजीरिया से प्रवासी सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंदौर आए हैं। संजय जी, आप क्या इंदौर में इससे पहले कभी आए हैं? एक बार आया हूं, करीब 6 साल पहले जी। तो 6 साल पहले का इंदौर और अब का इंदौर, कितना अंतर पाते हैं? बहुत ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। और काफ़ी सबसे पहले तो स्वच्छता के हिसाब से काफ़ी साफ सफाई है। रात की लाइट ऐसी है कि न्यूयॉर्क और पेरिस के जैसी लग रही है। सड़कें काफ़ी अच्छी लग रही हैं, सुदृढ़ लग रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, तो ये फ़र्क तो बिल्कुल सामने आ रहा है। आपको कोई लगता है कि इंदौर में और भी कुछ ऐसा सुधार होना चाहिए आपको कि इससे ज़्यादा? सुधार क्या है कि अगर हम देखें तो एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है, और हम बहुत विकसित देशों में भी गए और वहाँ पे भी देखते हैं कि रात रात भर काम होता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया गया था तो सिडनी में देखा, रात में भी काम हो रहा है। तो सड़कें बनती रहती हैं ज़रूरत के हिसाब से, और ज़्यादा बढ़ता है। अभी हमने देखा कि मेट्रो बन रहा है, मेट्रो एयरपोर्ट तक जा रहा है। कल को हो सकता है 10 और मेट्रो बनेगा अपने शहर के हिसाब से, शहर वासियों के हिसाब से। और भी ज़्यादा सुविधाएं लोगों को मिले तो लोग जो है बाहर जाने के बजाय सोचेंगे कि नहीं, इंदौर ही अपना घर है, अपना देश है, यहाँ पे रहना चाहिए। संजय जी, आप नाइजीरिया में भाजपा के लिए भी काम करते हैं, वहाँ पे कन्वीनर हैं आप जी, तो वहाँ पार्टी के लिए किस तरह काम करते हैं आप? हम वहाँ पे ओवरसीज अफेयर्स डिपार्टमेंट बीजेपी का एक चैप्टर है जो कि नाइजीरिया में भी है। पूरे विश्व में ऐसे 50 देशों में हमारा काम होता है। जब हम दूसरे देश में रहते हैं तो वहाँ के लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करते हैं, और हम वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि हम वहाँ पे रजिस्टर्ड सोशल सर्विस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। हमारा मुख्य काम होता है भारतीय समुदाय को आपस में जोड़ना, और भारतीय समुदाय के साथ साथ जो अच्छी चीज़ें हिंदुस्तान में हो रही हैं उसको वहाँ के प्रेस एंड मीडिया के थ्रू वहाँ के जनता को बताना। कई बार वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ के पुलिस प्रशासन से मिलके अपने यहाँ जो सक्सेस स्टोरी है, जैसे आज जो इंदौर के सफाई के बारे में है, वहाँ मैं ज़रूर किसी न किसी काउंसिलर से या मेयर से बैठ के बात करूँगा कि देखिए, हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा शहर भी है जो 6 साल से लगातार स्वच्छता का अवार्ड जीतता आ रहा है। प्रशासन इतनी अच्छी है कि वॉलंटरली हमने देखा आज सड़कों पे स्कूल गोइंग एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट सड़कों पे वॉलंटरली खड़े हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें। तो जो हिंदुस्तान का अच्छा प्रोटोटाइप है वो हम वहाँ पे बताते हैं। गुड गवर्नेंस की जो बात होती है मोदी गवर्नमेंट के बारे में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, उसको हम वहाँ पे प्रेस एंड मीडिया पे बताते हैं। बस इतना ही अपना काम है वहाँ। तो इस सम्मेलन में आप जो है एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में भाग ले रहे हैं या कि उद्योगपति के रूप में भाग ले रहे हैं? इस कार्यक्रम में मैं बिल्कुल उद्योगपति के रूप में भाग ले रहा हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। उसमें रजिस्टर करने के लिए कोई कैटेगरी ऐसी नहीं है कि आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं या नहीं। और मैं बता दूं, प्रवासी भारतीय दिवस तो माननीय वाजपेयी जी के समय से शुरू हुआ, उसके बाद फिर दूसरी सरकारें भी आई, तब भी प्रवासी भारतीय दिवस चलता था, और उस बीच में भी मैं एक बार आया था दिल्ली में। तो हमारा जुड़ाव हिंदुस्तान के प्रति है, हमारा जुड़ाव भारत के प्रति है, और तो फिलहाल तो यही। तो आपका नाइजीरिया में किस तरह का काम है? क्या आपकी भविष्य में कोई ऐसी योजना है कि भाई इंदौर या मध्य प्रदेश में कुछ उस तरह काम करना चाहेंगे आप? बिल्कुल। तो मेरा जो व्यवसाय है 2 वर्टिकल्स में है, एक है पोर्ट कस्टम क्लियरिंग एंड लॉजिस्टिक्स, और दूसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का। तो अभी कुछ साल भर पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि हिंदुस्तान से निर्यात बढ़ाना है। अब निर्यात बढ़ाना है तो हिंदुस्तान के लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, इंदौर के, गुजरात के, मुंबई के, हम लोग वहाँ बैठे क्या कर सकते हैं, ये सोचे। फिर हम लोगों ने ऐसा एक अपना विचारधारा बनाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट जो करेंगे वो हिंदुस्तान से करेंगे, चाइना से नहीं करके, जर्मनी से नहीं करके, हम हिंदुस्तान से करेंगे, भले ही उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो वो, और हम ये कर रहे हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में, और इसका सीधा सीधा फायदा अपने हिंदुस्तान को, विभिन्न प्रदेशों को जाता है। मोदी जी के शासन को आप
किस तरह से देखते हैं? उनके शासन की तो एक ही बात बोलूंगा कि आज जब वो अमेरिका के प्रधानमंत्री के साथ कंधे पे कंधा रखकर चलते हैं और जापान के प्रधानमंत्री उनको एक्सकोर्ट करने आते हैं, जर्मनी के प्रधान चांसलर उनको प्रोटोकॉल तोड़ के बाहर सामने आती है और फ्रांस के प्रधानमंत्री उनको मिलने के लिए कहीं पे भी आते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। पहले ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को मिलने के लिए अमेरिका, किसी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मिलने के लिए अमेरिका का प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट तक पहुंचा हो, लेकिन इनकी ऐसी इनका ऐसा अपना एक रुतबा है अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का कि लोग इनको मानते हैं, और ये रुतबा इसलिए बनाए कि उनके काम वैसे हैं। अगर आप देखेंगे, एक तो वो दिल से काम करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, वो बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और वो उस पर विश्वास करके काम भी करते हैं। वो बोलते हैं कि पूरे विश्व को हम ग्रीन एनर्जी बनाएंगे या कार्बन फ्री करेंगे, तो उस पर काम करते हैं। उनका जो कमिटमेंट होता है वो ग्राउंड पे दिखता है, और इस उनके पॉलिटिकल कमिटमेंट को जब वो एक्चुअलाइज करते हैं तो पूरा विश्व देखता है। सबसे बड़ी चीज आपने देखी होगी कि कोरोना काल में पूरे विश्व में, ये कोरोना काल जो था, इट वाज अ वॉर, ये एक मतलब इंटरनेशनल वॉर ही था, थर्ड वर्ल्ड वॉर बोल लीजिए या कुछ बोल लीजिए। तो इसमें ऐसा था कि अमेरिका और जितने विकसित देश थे उन्होंने अपना वैक्सीन लॉन्च कर दिया था, और वैक्सीन की कीमत थी $10। आप बताएं कि जो कंट्रीज, इंडिया जैसा या अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज जिनके यहाँ खाने के लिए $1 से कम है, वो खाने के लिए वो खाना खाने जाएगा या वैक्सीन लगाएगा? लेकिन उस समय में हिंदुस्तान में क्या हुआ, एक रिवोल्यूशन हुआ कि इन्होंने $1 में या उससे भी कम में एक तो वैक्सीन बना डाली, और वैक्सीन बनाने के बाद भी इन्होंने किसी के साथ कोई राजनीति नहीं किया, इन्होंने किसी से पूछा नहीं, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करेंगे, हमने $1 में वैक्सीन बनाई है और हम विश्व के 120 देशों को भेजेंगे। 55-56 देशों में अपनी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट गई, और ये बूस्ट मिला उस देश के लोगों को, इंक्लूडिंग नाइजीरिया, कि अगर हमारी जरूरत होगी तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन भेजेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इससे हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच का और हमारे देश की सोच का कि हम पूरे विश्व को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, हम किसी को मरने नहीं देना चाहते, किसी को भूखे नहीं रहना देना चाहते, स्वस्थ रहे सब, समृद्ध रहे, सुखी रहे, इस दिशा में काम करते हैं। ग्लोबल समिट भी होना है। जी जी, तो आप लोगों से हमारे माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि भाई इंदौर और मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें? बिल्कुल, मैं इंदौर में दूसरी बार आया हूँ जैसा बताया, और बहुत ही अच्छा देख के लग रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे भी मध्य प्रदेश और इंदौर नंबर वन पे आता है। यहाँ की कई सारी स्पेशलिटी है, वो चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या कोई फूड आइटम्स हो, उसके पूरे विश्व में डिमांड है। तो मैं अपील करूँगा अपने भारतवंशियों से और दूसरे इम्पोर्टर्स से भी पूरे विश्व में कि आप यहाँ पे संपर्क बनाएं, बैठाएं, और यहाँ से आपको सस्ती से सस्ती चीज़ ऐसी मिलेगी जिससे आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें और बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ मिले आपको। संजय जी, वेब दुनिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।